हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सरूपा ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ ठीक हो। अभी सुबह का टाइम है, मैं सुबह से एक न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट करते पहले मैं जाऊंगी किचन में। किचन में जाके आज किचन सफाई करना है। जैसे मैं सफाई करती हूँ किचन, आप सभी से शेयर करूंगी। और किचन सफाई करने के बाद ऊपर का लंच बनाएंगे। गई किचन में। किचन में आने के बाद मैं सबसे पहले ये जो पर्दा लगा हुआ है उसको खोल देंगे और थोड़ा गर्म पानी में भिगा के रखूंगी। और अभी एक छोटा सा पतीला ले लेंगे, उसमें गर्म पानी करना है। गर्म पानी करके थोड़ा सर्फ डाल देंगे। डालने के बाद एकदम कॉटन कपड़ा से ना जितना डिब्बा है उसको पहले अच्छे से सफाई करेंगे, क्योंकि किचन में है ना तेल तेल जैसे मतलब हो जाता है, तो गर्म पानी में फट से निकल जाएंगे। तो मैं पहले गर्म पानी बैठा देती हूँ। और जितना स्टील का डब्बा है मेरा, इसमें है मेरा सब डब्बा, तो इसको भी खोल देंगे और डब्बा सब निकाल लेते हैं। और मटका भी पहले मैं बाहर कर दूंगी क्योंकि ये टूटने का डर है, तो पहले मटका बाहर कर लेती हूँ और सारा डिब्बा मैं बाहर कर लेती हूँ। स्टील का डब्बा सब निकल लिया रैक से। पहले स्टील का डब्बा सफाई करेंगे, उसके बाद जितना प्लास्टिक का डब्बा है वो सफाई करूंगी। हाँ, प्लास्टिक का मेरा थोड़ा बहुत ही है, स्टील का डब्बा ज्यादा है। तो पहले मैं स्टील का डब्बा अच्छे से सफाई कर लेते हैं। ये मेरा पानी हो गया, थोड़ा सार्फ डाल के पानी मैंने बना लिया, थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया। डब्बा को ना ऐसे लेते हुए मैं ऐसे सफाई करती हूँ। उसके बाद थोड़ा अच्छा पानी से एक गमला और अच्छा पानी रखेंगे, उसमें एक दूसरा कॉटन का कपड़ा रखूंगी। ये जैसे साफ का कपड़ा से मतलब पानी से ऐसे करने के बाद अच्छा कपड़ा से फिर पोंछ देंगे। गंदा ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। ऐसे करके मैं एक एक करके सब कर लेती हूँ। पहले कपड़ा लगा के रखे थे, अभी कपड़ा भी नहीं लगाएंगे और न्यूज़पेपर भी नहीं लगाऊंगे, कुछ भी नहीं, बस प्लेन उसके ऊपर ही रखेंगे। न्यूज़पेपर भी लगाओ कपड़ा भी लगाओ ज्यादा कॉकरोच होते हैं, तो मैं कुछ नहीं करूंगी। ऐसे ही रैक को अच्छे से मैंने पोंछ दिया और इसके ऊपर ही मैं सामान रखूंगी। तो फिर लगा लेते। मेरा जो रैक दिखाई दे रहा है ना ये वाला, इसमें जो कागज लगा हुआ है ये प्लास्टिक का कागज है। और प्लास्टिक का कागज ना लगाओ ना तो ये नीचे से सीमेंट गिरता है, तो वो ये पूरा डब्बा खराब कर देता है। मैं ये प्लास्टिक का कागज के ऊपर में ये कलरिंग पेपर लगाऊंगी। अभी लेके आया कलरिंग पेपर, ये लगाएंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। और डायरेक्ट ऐसे कलरिंग पेपर लगाओ ना तो गीला हो जाता है, इसलिए मैं पहले कागज लगा के पहले रखी थी। अभी इसके ऊपर से कलरिंग पेपर लगा लेते पहले। मेरा ना किचन का हाल ऐसे हो गया है, अभी मैं पहले थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद आप सभी को दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो गया किचन का। अभी मैं जितना मतलब बड़ा डब्बा है वो सफाई करेंगे, चावल का आटा का। और जो सामान मतलब मैं लेके आती हूँ राशन, जो डिब्बा में डालने के बाद बच जाता है वो एक बड़ा स्टील का डब्बा में रखती हूँ, वो भी सफाई करेंगे। अभी मेरा बेटी स्टूल लेके आ गई मुझे बैठने के लिए, मैं अभी बैठ जाती हूँ। छोटा बड़ा डब्बा था सब धुलाई हो गया है। हाँ मम्मा, हाँ रुको। और अभी मैं पूरा रूम क्लीन कर लेते हैं, मतलब पूरा रूम में सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद आप सबको दिखाती हूँ। और मैं खाना भी बनाना है, 12 बज गया है। हाँ मम्मा, बेटी सोई थी उठ गई, ये देखो अभी रो रही है। मोबाइल भी नहीं चाहिए उसको अभी, क्योंकि मम्मी काम कर रहा है तो पीछे पीछे इसको घूमना है अभी। ठीक है, मैं पूरा रूम ना अभी साफ डालूंगी, डाल के अच्छे से घिस के सफाई कर लेंगे।
मेरा सब कुछ हो गया है, बस पोछा लगाना बाकी है। मैं पोछा लगा लेती हूँ पहले, और मैंने ये लगा दिया। किचन छोटा है इसलिए मैं अच्छे से घुमा के आप सबको देखा नहीं पा रही हूँ। बस लंबाई में बड़ा है, चौड़ाई में बहुत छोटा है, तो बस इतना कर दिया है। बहुत घंटा लगा है, 10 बजे मैं शुरू किया था, अभी देर बज गया है। पहले मैं चावल लेके आती हूँ, चावल लेने के पहले मैं खाना बना लेती हूँ, और खाने में वही पनीर का भुजिया और दाल बनाऊंगी। इसीलिए मैं आप सभी से शेयर नहीं करूंगी। बस आज आप सबको शेयर किया मैं किचन कैसे साफ करती हूँ, थोड़ा बहुत दिखा पाया, और मैं खाना बना के चावल लेके आती हूँ। अभी मेरा खाना बन गया है, अभी मैं जा रही हूँ चावल लेने, और मैं अभी 2:45 बज गया है। मैं दिखा देती हूँ क्या क्या बनाया। खसखस आलू का एक सब्जी है, मतलब एक मीठा डाटा बोलते हैं उसको हम बंगाली में। ये पनीर भुजिया बनाया, और इसमें तो चावल है। ये दाल बनाया और सैलड काट के रख दिया, बेटी का वो दाल है उबाल के रख दिया था। अभी चावल लेके आई, अभी 4:15 बज गया, अभी मैं लंच करने बैठ रही हूँ। टीवी देखते देखते खाना खा लेंगे, और खाना में ये लेके आया। पता है 2:45 बजे तक मैं खाना बनाया, बहुत लेट हो गया है। और खाना खाने के पहले आप सबको बाय कर देती हूँ, क्योंकि किचन में फिर दोबारा बर्तन हो गया खाना बनाने का, फिर वही सफाई करना है। तो फिर मिलेंगे कल सुबह एक नया वीडियो के साथ। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आप सभी के पास पहुंच जाए।